गुड मॉर्निंग बच्चों, जो आपका आज का असाइनमेंट है वो है केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, तो आपको केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैं पहले कर चुकी हूँ तो मैं उसी में से आपको बता दूंगी और बाकी क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगी। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक्सपेरिमेंट दे रखा है, उसका डाटा दिया हुआ है। आपका एक रिएक्शन है ए प्लस बी गेट सी प्लस डी। ठीक है, इसमें इनिशियल दे रखा है आपको ए का, इनिशियल आपकी कंसंट्रेशन दे रखी है बी की, और इनिशियल रेट दे रखा है आपको। आपको बताना है कि जो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है। अब इसमें आप देखिए कि अगर मेरा जो आपका ए है, ठीक है, थ्री है और यहाँ पे सेकंड वाले में फोर है, ठीक है, और इनिशियल रेट कॉन्स्टेंट कितना है आपका 1.89। जब मैं ए को डबल कर देती हूँ, ठीक है, तो मेरा इनिशियल रेट भी डबल हो जाता है। यानी कि जब मैं ए की कंसंट्रेशन को डबल करती हूँ तो रेट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि रेट कितना हो जाएगा मेरा, फोर टाइम्स हो जाएगा। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा ए के रिस्पेक्ट में, टू हो जाएगा। अगर मैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन थर्ड है, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करूँ, तो अगर मैं बी को डबल कर रही हूँ तो रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि बी कंसंट्रेशन डबल होने पे मेरा रेट में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो मेरा एन क्या हो गया, जीरो। यानी कि ए बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो और ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू। तो इसका आंसर है सेकेंड। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपकी तीन इक्वेशन है, ठीक है, फॉर्मूला लगा के आप तीन इक्वेशन बना सकते हैं, उसके बाद आप फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड और सेकेंड और थर्ड को डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको एक रिएक्शन दिया था 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन था 1.4 × 10⁻³। ठीक है, हमें निकालना था रेट ऑफ, हमको निकालना है रेट ऑफ डिसअपेयरेंस। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं रेट ऑफ डिसअपेयरेंस दे रखा हो। तो हमारा रेट ऑफ डिसअपेयरेंस क्या होता है, माइनस, क्योंकि आपका रिएक्टेंट साइड है, 1/2 ΔN2O5/ΔT। ये आपको दे रखा है कितना, 1.4 × 10⁻³। यहाँ से रेट आप निकालेंगे 7 × 10⁻⁴। ठीक है, अब इसका जो बी पार्ट है वो, इसका बी पार्ट क्या था, आपको प्रूफ करना था कि T99% इज इक्वल्स टू 2T90%। ये आपका इसका बी पार्ट था। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्म लगाएंगे T99% 2.303 K/ln A0A। ठीक है, ऐसे आप 90% के लिए लगाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2.303 log 100, इनिशियल 100 लेके चलते हैं, और ए क्या है हमारा 1। ठीक है, 2.303 K, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2 log 2। ठीक है, और आपका T90% क्या होगा, 2.303 K log 100। ये 90% था, ठीक है, जो आपका पूरा हो गया था, तो 100 में से 90 माइनस किया तो कितना बचा, 10। तो ये आ गया log 10। अब आपकी दो इक्वेशन आ गई है, एक ये वाली इक्वेशन आ गई है, एक ये वाली इक्वेशन आ गई है। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड करने को जब सॉल्व करेंगे तो 290% आपका इक्वल टू आ जाएगा T99% के लिए। थर्ड क्वेश्चन आपका था बेटा कि के जो, मतलब आपको एक रेट रेट ऑफ रिएक्शन है वो 25% कंप्लीट हो चुका है इन 40 मिनट्स। ठीक है, तो आपको टाइम बताना है कि वो 80% कब कंप्लीट होगा, वो टाइम आपको बताना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, फॉर्म लगाऊंगी K=2.303 T log A0 by A। अब 25% कंप्लीट हो गया, तो 100 - 25 कितना होगा, 75, तो ऊपर आ जाएगा इनिशियल 100, नीचे आ जाएगा 75। सॉल्व करोगे तो आएगा 4/3। यहाँ पे आपने फॉर्म लगाया log 4 - log A/B का, जो होता है हमारा log A - log B, तो log 4 - log 3 आ गया। वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.04 × 10⁻³ सेकेंड्स। अब यहाँ से आपकी के की वैल्यू आ गई है। अब सेम फॉर्मूले में आप क्या करोगे, के पुट कर दोगे, टाइम को इधर ले जाओगे, तो अब आपका log A कितना हो गया, 100। अब 80% कंप्लीट के लिए हो चुका है, ठीक है, तो आपका कितना बचा, 20 बचा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20। तो सॉल्व करोगे तो आपका आएगा log 5, तो टाइम कितना आएगा, 226.89 मिनट्स, या फिर सॉरी सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन निकालना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो 50% कंप्लीट हो चुका है 30 मिनट्स में 300 केल्विन पे, और 10 मिनट में हुआ है 320 केल्विन पे। आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सेम, दो फॉर्म लेंगे, K1 और K2। K1 में 2.303 T log, पहले 50 के लिए लेंगे, मतलब 50% कंप्लीट हो चुका है, तो 50% कंप्लीट हुआ है तो बचा कितना, 50%, यानी कि 100 - 50। ठीक है,
और टाइम कितना था 30 मिनट्स। इक्वेशन ये बन गई। दूसरा उसने बोला है कि आपका वही सेम रिएक्शन आपका 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है लेकिन 320 के एल्बम पे, ठीक है, तो सेम आएगा क्योंकि आपका 50% कम्प्लीट हुआ था, तो 100/50 बचा के तो कितना होगा 50, टाइम कितना रखोगे 10, ठीक है। अब आपकी दो इक्वेशन हो गई K1 और K2। अब K1 और K2 को आप डिवाइड कर दोगे तो K2 और K1 की वैल्यू आपकी आएगी 3, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, K2/K1 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3, एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है 2.303, KR की वैल्यू लगाइए जो आपका है गैस कांस्टेंट 8.314, T1 आपका कितना होगा 300 केल्विन, T2 आपका दे रखा है 320 केल्विन, जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 430.832। उसके बाद इन्होंने बोला है राइट टू कंडीशन फॉर द कोलिजन टू बी इफेक्टिव। तो बेटा कोलिजन कभी भी इफेक्टिव तभी होगा जब एक तो जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर आप उसको प्रोवाइड करोगे एनर्जी, और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल जब होगा तभी जाके आपका प्रॉपर कोलिजन होगा, ठीक है। तो हम इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं कि द फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन द मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सेस। तो बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी जो है वो एलिमेंट्री स्टेप्स की होती है, यानी कि जो स्लोएस्ट स्टेप होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, वही आपका क्या होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और वही आपका क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेगा, ओके। उसके बाद और मॉलिक्युलरिटी क्या है, बेसिकली मॉलिक्युलरिटीज जो है एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए देते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसके लिए हम निकालेंगे, तो वो आपका क्या होगा मॉलिक्युलरिटी इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन द प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ द रेट कॉन्स्टेंट के इज दिस, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिड्यूस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम 0.1 टू 0.64 मोलर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसने क्या बोला है, तो बेटा आपका एक फॉर्मूला होता है, आपको पहले सबसे पहले इसमें दे रखा है के की वैल्यू 4×10⁻³ मोल पर सेकेंड, उसके बाद आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है ए नॉट 0.1 मोलर, और ए आपको दे रखा है 0.064 मोलर, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको ये फॉर्मूला लिखवाया भी हुआ है, ठीक है, जब हम ड्राइव करते हैं तब, तो क्या होता है K=1/T ए नॉट माइनस ए, ठीक है। अब K की वैल्यू क्या है 4×10⁻³ मोल पर सेकेंड 1/टाइम 0.1 माइनस 0.,  आपने सारी वैल्यू एज इट इज पुट कर दी, जब यहाँ से टाइम को सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 0.009×10⁻³, यानी कि आपका आएगा ये 9 सेकेंड्स। आपको डायरेक्ट सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर अ रिएक्शन R=P हाफ लाइफ इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑल्सो राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन फॉर दिस, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा आपका सिंपल सी चीज है कि हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए हाफ लाइफ जो होती है वो क्या होती है आपकी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा जब आप इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ग्राफ के हिसाब से जब आप बनाएंगे कंपेयर करके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका आएगा इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है लॉग R0/R, ठीक है, और यहाँ पे आएगा टाइम, ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो जब आप इसको लाइन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है N2O5 gives 2NO2 plus half O2, इसमें आपको टाइम दे रखा है 0, 300, 600, और यहाँ पे N2O5 की कंसंट्रेशन दे रखी है। आपको बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं, और हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें एक बार टाइम को 300 ले लिया, ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन मेरी क्या दे रखी थी 1.60 वाली जो जीरो टाइम पे थी, और 300 टाइम पे मेरी कंसंट्रेशन क्या है 0.8×10⁻², ये गिवन है। जब इसको सॉल्व किया तो के की वैल्यू आई 0.00231 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और इसके बाद
अब आप सेम करेंगे फॉर 600 के लिए, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही रहेगी जीरो वाली, और लेकिन 600 की जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है वो दे रखी है 0.4 × 10⁻²। जो आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी के की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी 0.00231। अब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसकी भी और इसकी भी, तो इसका मतलब अगर दो के की वैल्यू सेम है तो ये ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब आप इसके टी हाफ की वैल्यू निकालो, टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693/k, के हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 300.08 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 2NH3 प्लैटिनम N2+3H2। ठीक है, आपको रेट दे रखा है इक्वल्स टू के, आपको ऑर्डर बताना है मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन और यूनिट ऑफ के। तो सबसे पहले बेटा द रिएक्शन जो है ये कैटलाइज्ड है बाय द कैटलिस्ट PT एट हाई प्रेशर पे। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, टू। मॉलिक्युलरिटी क्या होगी इसकी, टू, क्योंकि आपके दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, टू, और दूसरा रिएक्शन जो है कैटलाइज्ड है बाय प्लैटिनम एट हाई प्रेशर, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रेट इक्वल्स टू के, और मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, टू। अब इसके बाद हमें निकालना है यूनिट ऑफ के, तो इसने रेट को किसके इक्वल दे रखा है, ऑलरेडी के इक्वल बोल दिया गया है। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट क्या होगी इसकी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है ये वाली, के इक्वल्स टू 14.2 × 10⁻², के इक्वल्स टू 14.2 माइनस 1.0 × 10⁻⁴ अपॉन में टी। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको इसमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, रेट कांस्टेंट और आप अपने हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है 200 मिनट्स का। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा क्वेश्चन में गिवन है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, टी हाफ आपको दे रखा है 200 मिनट, इसको सेकेंड में चेंज करोगे तो आपका आएगा 12,000 सेकेंड। ठीक है, अब आपको टी हाफ और के बीच का रिलेशन पता है, यहाँ पे आपने टी की वैल्यू पुट करी तो के की वैल्यू निकालने के लिए आपका के क्या आया, 5.7 × 10⁻⁵। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये आपकी के की वैल्यू आई है। अब आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जब निकालते हो तो उसका एक फॉर्मूला ये भी है, RNES इक्वेशन का एक फॉर्मूला, ऐसे भी लिखते हैं हम इसको 2.303 RT। ठीक है, तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे लॉग के। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा लॉग ए, ऑलरेडी आपको दे रखा है कितना, जो आपकी वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन दे रखी थी क्वेश्चन में, वो ये दे रखी थी 14.2 माइनस 1.0 × 10⁻⁴ अपॉन में टी के, ये आपका गिवन है, ये वाली इक्वेशन आपकी गिवन है। ठीक है, तो इसको आरहीनियस इक्वेशन से आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किस, और आरहीनियस इक्वेशन क्या थी, लॉग के अपॉन में लॉग ए माइनस ए बाय आर टी। अब लॉग ए की वैल्यू तो ये हो गई, ठीक है, टी ऑलरेडी आपका ये दे रखा है, ठीक है, तो बचा क्या आपका ई ए। ठीक है, तो ई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1.91 × 10⁵। जब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे, यहाँ से ई ए की वैल्यू क्या आएगी, 1.91 × 10⁻⁵। ठीक है, अब आपका ई ए क्या, टी की वैल्यू गिवन है आपको, तो आपका क्या बचा, ई ए 2.303 आर। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 1.0 × 10⁴, और यहाँ से आप सॉल्व करके ये की वैल्यू निकालोगे तो आपका आ जाएगा 1.91 × 10⁻⁴। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दे रखा है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन, दिस टाइम दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, आपको रेट कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करना है। तो ये सबसे सही ईजी है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पहला पी इनिशियल दे रखा है जीरो टाइम पे 2.30, आपको पी टोटल दे रखा है मतलब फाइनल टाइम पे 0.5 ATM। ठीक है, अब आप क्वेश्चन क्या था, 2CH5Cl gives C2H4+HCl। अब हमने सिंपल सी चीज़ है कि
जीरो सेकंड्स पे इसका प्रेशर तो पी रहेगा, यहाँ पे इसका प्रेशर क्या रहेगा, जीरो जीरो। कब, जब टाइम कितना होगा आपका, जीरो सेकंड्स। अब हम लिखे टाइम 300 सेकंड्स पे क्या हो जाएगा आपका, इसमें से अगर एक्स प्रेशर चला गया है तो यहाँ पे एक्स प्रेशर बढ़ गया और यहाँ पे भी क्या बढ़ गया, एक्स प्रेशर बढ़ गया। अब पी टोटल क्या होगा, पी माइनस एक्स, एक्स और एक्स, तो टोटल क्या हो जाएगा, पी माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू पी टोटल। ठीक है, अब यहाँ से आप टोटल की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.20। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0.20। ठीक है, अब हमें जो ओरिजिनल हमारा क्या था, यहाँ से पी टी माइनस एक्स था, तो पी टी माइनस एक्स में x की वैल्यू पुट करो तो 0.30 माइनस 0.20, यानी इनिशियल में से हमने x को माइनस कर दिया, तो ये वाला प्रेशर हमारा किसका आ गया, 300 वाले पे ये वाला प्रेशर आ गया, जो कि है 0.10 एटमोसफेयर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन में टी लॉग इनिशियल अपॉन में टोटल माइनस एक्स, ये प्रेशर के रिलेशन में आपका फॉर्मूला दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.303, टाइम कितना दे रखा है 300, लॉग इनिशियल कितना है आपका 0.30, ये गिवन है, और एक्स की वैल्यू जो आपने बचा हुआ निकला है वो कितना हुआ है, बचा हुआ 0.10, ये बचा हुआ है प्रेशर है, यही नीचे पुट करेंगे, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो के की वैल्यू आएगी 0.0037 सेकेंड इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी द रेट इज गिवन बाय के ए बी टू। इसमें बेटा आपको हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज डबल। अब आपका रेट कैसे इफेक्ट होगा जब कंसंट्रेशन को आप डबल कर दोगे, ठीक है, बी के कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे, तो ये तो सिंपल सा है कि क्वेश्चन नंबर 10 आर इक्वल्स टू के ए बी टू। अब मैंने क्या करा, कंसंट्रेशन को बी के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो के 2b का स्क्वायर तो 4b आ जाएगा, ये नया रेट है मेरा, तो इसको मैं R1 कर देती हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा अब R1 इक्वल्स टू के 4kab का स्क्वायर, और ये वाला जो तुम्हारी वैल्यू है किसकी है, R की वैल्यू है, तो 4R, यानी कि जो नया रेट है वो कितना हो जाएगा आपका, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ ए इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सिस। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ए को लार्ज एक्सिस में कर देती हूँ, यानी कि ज्यादा कर देती हूँ, ठीक है, तो ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा, और यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा खाली बी पे, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा आपका, 2। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस। गिव रीजंस में बेटा आपका सबसे पहले है, बेटा नेक्स्ट है आपका गिव रीजंस, ठीक है, गिव रीजंस में पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंस व्हेन द रेट कांस्टेंट के एंड एक्टिवेशन एनर्जी एट द टेंपरेचर द केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस जस्टिफाई। तो आपको पता है कि जो आपका आर्हेनियस इक्वेशन है उसका एक फॉर्म ये भी है, ठीक है, इस पे ए क्या आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आर इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो रेट कांस्टेंट जो है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्टिवेशन बैरियर को एनर्जी को क्रॉस कर सकते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स करेगी पाथ ऑफ द रिएक्शन पे, अगर हमारा जो रिएक्शन है वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। दोबारा सुन लीजिए, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट कॉन्स्टेंट विल इंक्रीज एंड मोर मॉलिक्यूल्स विल बी एबल टू क्रॉस द एक्टिवेशन बैरियर, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करती है अपॉन द पाथ ऑफ अ रिएक्शन, अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बी, बी वाला बेटा क्वेश्चन नंबर बी है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, जीरो ऑर्डर की होती है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड ऑर्डर की होती है लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। उसके अलावा आपको इसमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ए टू बी फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड टू 3 times, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। इन्होंने बोला है कि अगर आपका
रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, फॉलो कर रहा है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स यानी कि के ए और, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि अगर आपका मतलब ए से बी में जाते वक्त सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, ये क्वेश्चन था, तो आपको क्या आएगा, रेट आर इक्वल्स टू के ए बाय टू। अब इसने बोला कि क्या होगा अगर मैं ए को थ्री टाइम्स कर दूं, तो अगर मैं ए को थ्री टाइम्स कर देती हूँ तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, यानी कि 9 टाइम्स जो है वो रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है राइट द इक्वेशन फॉर द इंटीग्रेटेड, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा इसके लिए जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है वो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं अपॉन में टी, ठीक है, जहाँ पे के क्या है रेट कांस्टेंट, आर क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये आर क्या है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन, तो इसके लिए बेटा आप रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी, आपको सारी डिफाइन उसमें मिल जाएंगी। एसर्शन रीजन में बेटा आपका क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि जो हाफ ऑफ लाइफ रिएक्शन का, ठीक है, क्या बोला है इसने कि अगर मैं कंसंट्रेशन जो है मेरी उसको रिड्यूस कर देती हूँ, हाफ लाइफ को रिड्यूस कर देती हूँ, टाइम को रिड्यूस कर देती हूँ, तो मेरा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और आर क्या कह रहा है आपका, रीजन क्या है, इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल हाफ लाइफ इज डबल, कि अगर मेरा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कंसंट्रेशन डबल होगी तो रिएक्टेंट भी डबल हो जाएगा। लेकिन बेटा इसका आंसर है ए, तो आपका ठीक है कि अगर आप हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन को टाइम के साथ रिड्यूस कर रहे हो तो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाला जो आपका रीजन है वो गलत है। तो इसका आंसर है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, ये तो बात सही है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री के लिए भी होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए होता है। आर क्या है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग, ऐसा नहीं है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो ए भी ठीक है, मतलब सॉरी मॉलिक्यूलरिटी का मतलब नहीं होता, तो ए भी ठीक है आर भी ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है, अपनी अपनी जगह दोनों ठीक है, लेकिन जो आर है वो ए का रीजन नहीं है, तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू, लेकिन जो रीजन है वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम, तो ये बात सही है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर इक्वल्स टू के होता है, ठीक है, तो यूनिट भी क्या होगी, सेम होगी। और रीजन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी सही है कि आर इक्वल्स टू के होता है तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो ए भी ठीक है आर भी ठीक है, और आर जो है वो इसका एग्जैक्टली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे आपका केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर असाइनमेंट होता है फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। Please like and subscribe our channel.